दोस्तों बहरीन, यही वो देश है जहां आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। दोस्तों अरब क्षेत्र में स्थित बहरीन अपने मसालों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। आजकल हम बहरीन को एक इम्पोर्टेंट तेल उत्पादक देश के रूप में जानते हैं। ये देश अपने उत्तम मोतियों के लिए भी जाना जाता था, जो उसके बंदरगाहों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला हुआ था। बहरीन ने हाल ही में पर्यटकों की बहुत भारी भीड़ देखी है। यहाँ पर्यटकों का भारी संख्या में आना जाना शुरू हो गया है। अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास से प्यार करते हैं, तो यहाँ आना बनता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहरीन के माध्यम से यात्रा करना एक लजीज अनुभव भी है। दोस्तों बहरीन के व्यंजन काफी हद तक ईरानी, इराकी और भारतीय खाना पकाने की शैली से प्रभावित है। ढेर सारे समुद्री भोजन और चावल से बने व्यंजन इस देश की खास खासियत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेक्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों आज हमारा ये सफर बढ़ चला है बहरीन की ओर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बहरीन के बारे में वो सब बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते थे। साथ ही बहरीन के उन क्षेत्रों की सैर भी कराएंगे जहां आप जाना चाहेंगे। दोस्तों पहले जान लेते हैं बहरीन के बारे में। दोस्तों बहरीन विश्व के भूगोल में एक अलग ही स्थान रखता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों से इसे अलग करती हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और बिजनेस। बहरीन मध्य पूर्व फारस की खाड़ी में सऊदी अरब के पूर्व में है। दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमीटर का है, जो कई अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में फैला हुआ है। ये देश 32 द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश के बहुत सारे पड़ोसी हैं, जैसे कुवैत, ईरान, इराक, दुबई, कतर, सऊदी अरब। ये सभी इस्लामिक देश हैं और बहरीन भी एक इस्लामिक देश है। दोस्तों इसी देश में साल 1932 में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश बन गया था। दोस्तों अगर हम इंडियन करेंसी से दिनार की तुलना करें तो एक दिनार 266 रुपए का है। थोड़ा महंगा है, इसीलिए इस देश को घूमना भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है। दोस्तों बहरीन मध्य पूर्व में घूमने के लिए सबसे आश्चर्यजनक जगहों में से एक है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन में लगभग 51 द्वीप शामिल हैं, जो इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं। प्राकृतिक द्वीपों के अलावा बहरीन लगभग 33 कृत्रिम द्वीपों से भी भरा पड़ा है। बहरीन में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में शानदार वास्तुशिल्प, इमारतें, मस्जिदें, संग्रहालय और प्राकृतिक और पारंपरिक बाजार है, जो देश की सच्ची संस्कृति को दर्शाते हैं। बहरीन एक सुंदर द्वीपीय राष्ट्र है, जिसमें न केवल मनमोहक द्वीप है बल्कि कई वास्तुशिल्प आकर्षण और जीवंत बाजार भी है। आइए एक बेहतरीन यात्रा अनुभव के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बहरीन की उन जगहों पर जहाँ जाना तो बनता है। दोस्तों ये है मनामा। मनामा सबसे अच्छे बहरीन आकर्षणों में से एक है। दोस्तों मनामा का क्षितिज चमत्कार गगनचुंबी इमारतों और अन्य वास्तुशिल्पी इमारतों से भरा है, जो बहरीन के लोगों के कलात्मक कौशल की सुंदरता को दर्शाता है। बहरीन के क्षितिज का सबसे आकर्षक हिस्सा जुड़वा टावर्स का समूह है, जो लगभग 240 मीटर ऊंचा है, और बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। प्रमाणिक इस्लामी वास्तुकला, पारंपरिक बाजार और शानदार मध्य पूर्वी व्यंजन इस शहर को और भी ज्यादा फेवरेट बना देते हैं। दोस्तों ये है बहरीन का राष्ट्रीय संग्रहालय। 27,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय के देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक संग्रहालय है, जिसमें विभिन्न कलाकृतियां हैं जो बहरीन के समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं। ये निश्चित रूप से बहरीन के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जो वहाँ के सभी इतिहास प्रेमियों को एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। समुद्र तट का स्थान और संग्रहालय की अद्भुत वास्तुकला इस संग्रहालय की यात्रा को और भी ज्यादा रोचक बना देती है। दोस्तों ये है बीट अल कुरान। धर्म के संबंध में बहरीन में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बीट अल कुरान है। इसमें कुरान का एक समृद्ध संग्रह है। इस स्थान पर लगभग हर सदी के कुरान है और यूरोपीय भाषा में सबसे पहले अनुवादों में से एक है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है जहाँ आप दुनिया भर के कुछ प्रसिद्ध इस्लामी लेखकों की किताबें और कार्य पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है रीफा किला। इतिहास के शौकीनों को बहरीन बहुत ही मनभावन जगह लगेगी, क्योंकि देश असंख्य ऐतिहासिक आकर्षणों से भरा है। बहरीन में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है रीफा किला,
जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अल खलीफास के शासनकाल के दौरान आपको इतिहास में ये जगह वापस ले जाएगी। अगर आप इतिहास से प्यार करते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आइएगा। और दोस्तों, ये है हावर द्वीप। बहरीन में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक हावर द्वीप है, जो प्रकृति और शांति से प्यार करने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, फारस की खाड़ी से घिरा ये क्षेत्र आपको वाटर एक्टिविटीज के लिए इनवाइट कर रहा है। बहरीन में कुछ बेहतरीन रिजॉर्ट्स भी हैं, आप यहाँ समय बिता सकते हैं। दोस्तों, ये है अमवास द्वीप। बहरीन एक द्वीप देश होने के कारण विदेशी द्वीपों से भरा हुआ है, और ऐसा ही एक प्रसिद्ध द्वीप है अमवास द्वीप, जो कई कृत्रिम द्वीपों का समूह है। बहरीन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से ये एक है। द्वीप न केवल बहरीन के कुछ शानदार पर्यटक स्थलों में से एक है, बल्कि यहाँ आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। दोस्तों, ये है ईसा टाउन। जहाँ तक खरीदारी का संबंध है, बहरीन में जाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, और साथ ही ये अपने में कई शानदार घरों और विलाओं को समेटे हुए है। यहाँ कई शॉपिंग मॉल्स भी हैं। यहाँ विशाल बहरीन नेशनल स्टेडियम भी है, जो कि यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। वास्तव में ये देश का सबसे बड़ा फुटबॉल स्थल है, और मैच के दिनों में ये खचाखच भरा रहता है। दोस्तों, ये है सार। मनामा के करीब स्थित और बहरीन में जाने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक। सार शांति प्रदान करता है, जिसकी उम्मीद मध्य पूर्व में छुट्टी पर की जा सकती है। यदि आप आगामी महीनों के दौरान बहरीन में अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं और एक शांति भरा माहौल चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आइएगा। शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ समय यहाँ आप बिता सकते हैं। दोस्तों, बहरीन की यात्रा के लिए दिसंबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसी के साथ 3 से 4 दिन पर्याप्त होंगे बहरीन घूमने के लिए। यहाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर से मार्च के बीच में आप इस देश को एक्सप्लोर करें। दोस्तों, बहरीन की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये सफर कैसा लगा? क्या आप बहरीन प्लान करेंगे? हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार।